नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.2 सममिति के सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 4 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और यदि समझ में आए तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस क्लास को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाना है। देखो सवाल नंबर 5, एक वर्गांकित पेपर पर निम्न की रूपरेखा बनाइए। एक वर्गांकित पेपर लेना है और इस पर जो ये आपको दे रखे हैं उनकी रूपरेखा मतलब चित्र बनाने हैं। वर्गांकित पेपर ऐसा होता है बेटा, ऐसा एक कागज लेना है, कॉपी लेनी है पेपर, और उस पेपर पर जो आपको कहा है वो चित्र बनाने हैं। देखो सबसे पहले संकेत दे रखा है, मतलब आप इस तरह से बना सकते हो। आपके लिए सहायक होगा यदि आप पहले सममिति रेखा खींचे और उसके बाद आकृति को पूरा करें। मतलब आप पहले सममिति रेखा बना लो, सममिति रेखा जानते हो ना, हमने पिछली क्लास में अच्छे से समझी है, और उसके बाद आकृति को पूरा करो। तो देखो ए, एक त्रिभुज जिसमें क्षैतिज सममिति रेखा हो, क्षैतिज सममिति रेखा। देखो बेटा सममिति रेखाएं दो प्रकार की होती है, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो बेटा अगर आप ऐसी रेखा खींचोगे तो ये ऊर्ध्वाधर है, ये क्या है ऊर्ध्वाधर, और अगर आप ऐसे रेखा खींचोगे ऐसे तो ये क्या है क्षैतिज रेखा है। अगर ऐसे खींची तो क्षैतिज और ऐसे खींची तो ऊर्ध्वाधर। तो देखो सबसे पहले एक त्रिभुज जिसमें क्षैतिज सममिति रेखा हो, एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कैसी सममिति रेखा है क्षैतिज, तो पहले सममिति रेखा खींचो। ये हमने एक सममिति रेखा खींच दी, ठीक है ना, और ये सममिति रेखा कैसी है क्षैतिज, खींच दी बेटा, आपको इस पर खींचनी है। जैसे ये सममिति रेखा खींच दी ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। तो बेटा देखो एक तो इधर ऊपर और एक इधर नीचे और यहां से ये लो, बढ़िया ना त्रिभुज। अब देखो इसमें भी एक तो ये यहां से इधर और एक यहां से इधर और ये ऐसे, ऐसा बढ़िया ना, ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। देखो बी वाला, एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही सममिति रेखा हो, क्षैतिज रेखा भी है और ऊर्ध्वाधर भी है, और आकृति कैसी बनानी है चतुर्भुज बनाना है। तो पहले सममिति रेखा खींचेंगे, भाई ये तो खींच दी हमने ऊर्ध्वाधर और ये खींच दी हमने क्षैतिज, ठीक है ना। आपको वर्गांकित पेपर पर खींचना है बेटा, खींच दे। अब बनाना है त्रिभुज चतुर्भुज, तो देखो इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है, तो ये बन गया आपके चतुर्भुज और ये हो गए आपके क्षैतिज और ये हो गए ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा, ठीक है। अब देखो एक चतुर्भुज जिसमें क्षैतिज सममिति रेखा हो, कैसी हो क्षैतिज सममिति रेखा हो, परंतु ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा नहीं, ऊर्ध्वाधर नहीं है, कौन सी है क्षैतिज। तो बताओ बच्चों क्षैतिज सममिति रेखा कैसे खींचोगे, क्षैतिज सममिति रेखा ऐसे खींचनी है। अब हमें इसमें क्या बनाना है, क्षैतिज सममिति रेखा से चतुर्भुज बनाना है, क्या बनाना है बेटा चतुर्भुज। तो देखो चतुर्भुज हम कैसे बनाएंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ठीक है, ध्यान देना, एक लाइन ऐसे खींचोगे, ठीक है, एक इधर और एक इधर। तो देखो बढ़िया ना चतुर्भुज, आपको वर्गांकित पेपर पर बराबर बनाना है, बात समझ में आ गई। एक दो तीन चार, चार भुजाएं होती है चतुर्भुज में, तो ये चतुर्भुज बन गया आपके। अब देखो बेटा डी वाला, एक षटभुज, षट षट मतलब जिसमें कितनी भुजाएं होती हैं, छह भुजाएं, एक षटभुज जिसमें केवल दो ही सममिति रेखा हो, आपको दो सममिति रेखाओं से क्या बनाना है षटभुज बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सममिति रेखा खींचेंगे, क्या खींचोगे सममिति रेखा, कितनी दो। तो देखो बेटा एक ये खींच लेते हैं और एक ये खींच लेते हैं, खींच ली। अब हमें बनाना है षटभुज, क्या बनाना है षटभुज, जिसमें देखो अब कैसे बनाओगे, ये तो सममिति रेखा खींचो, अब एक ऐसे एक ऐसे, बिल्कुल एक ऐसे एक ऐसे, यहां से ये और यहां से ये देखो बन गया आपके, बन गया ना। देखो एक दो तीन चार पांच छह भुजाओगे, ठीक है बेटा ऐसे बनाना है। अब देखो एक षटभुज जिसमें छह सममिति रेखा हो, कितनी सममिति रेखा हो
छः। तो इसके लिए क्या करना, पहले आप सममिति रेखा मत बनाओ, पहले षटभुज बनाओ जिसमें छः भुजाएं होती है। तो देखो कैसे हैं, ये हम पहले षटभुज बना रहे हैं, ठीक है ना, ये लो बन गया षटभुज। अब इसमें कितनी सममिति रेखा कितनी है, छः। तो देखो बच्चों, एक दो तीन चार पाँच और एक हो गई छः, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ऐसा वर्गांकित पेपर लेना है और इस वर्गांकित पेपर पर ये सभी आकृतियां आपको बनानी है। उतारो पहले, अगला करते हैं सवाल नंबर छः। प्रत्येक आकृति का अनुरेखण ट्रेस कीजिए और सममिति रेखा खींचिए। ये जो आकृतियां हैं इनको आपको वर्गांकित पेपर, ये वाले पेपर पर ट्रेस करना है। ट्रेस पेपर आता है ना, उसको रखना है इनके नीचे और ट्रेस करना है। फिर इनमें हमें सममिति रेखा खींचनी है। तो देखो सममिति रेखा खींचेंगे, देखो सबसे पहले इस आकृति को देख, आपको ट्रेस करना है ऐसे वर्गांकित पेपर पर। फिर बाद में हमें क्या खींचनी है बच्चों, सममिति रेखा खींचनी है। तो देखो बेटा, देखो सबसे पहले आकृति, इसमें क्या सममिति रेखा खींचेंगे क्या, देखो अगर मैंने यहाँ से रेखा बनाई तो क्या इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर होगा क्या, नहीं होगा। अगर यहाँ से मैं सममिति रेखा बनाऊँ तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है क्या, नहीं है। मतलब ये जो आकृति दे रखी है उसमें हम सममिति रेखा नहीं बना सकते, सममिति रेखा नहीं खींच सकते, ठीक है। अब देखो ये वाली आकृति है, इसमें हम सममिति रेखा खींच सकते हैं क्या, हाँ खींच सकते हैं। देखो ध्यान देना, अगर बेटा एक लाइन में यहां खींचूं तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर है, मतलब ये हो गए आपके सममिति रेखा। अगर एक रेखा में ऐसे बनाऊं तब भी इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर है, इसका मतलब एक ये हो गए आपके सममिति रेखा, ठीक है। अब ध्यान देना उधर, ठीक है ना। अब देखो ये वाली आकृति, इसमें हम सममिति रेखा ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सममिति रेखा खींच सकते हैं। अगर बेटा ऐसे खींचोगे तो क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा क्या, नहीं होगा। मतलब हम इसमें केवल एक सममिति रेखा खींच सकते हैं। अब देखो ये वाली आकृति, इसमें आप कितनी खींच सकते हो, एक ऐसे, एक ऐसे दो, एक ऐसे तीन, एक ऐसे चार, कितनी खींच सकते हैं, चार सममिति रेखा खींच सकते हैं जिसको बराबर भागों में बांट सकती है। अब देखो ये आकृति, इसमें एक दो, ठीक है, तीन चार पाँच छः, कितने खींच सकते हैं, छः सममिति रेखा। अब देखो ये वाली, एक दो तीन चार, कितने खींच सकते हैं, चार, एक दो तीन चार, चार सममिति रेखा हम इसमें खींच सकते हैं। तो ये आकृतियों को आपको ट्रेस करना है और सममिति रेखा इनमें खींच। सवाल नंबर सात। अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक सभी अक्षरों पर विचार कीजिए, इनमें से उन अक्षरों की सूची बनाइए जिनमें ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हो, जैसा कि ए, क्षैतिज सममित रेखाएं हो जैसा कि बी, सममित रेखाएं ना हो जैसा कि क्यू। अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ए बी सी डी के जितने भी अक्षर है ए से लेकर जेड तक, उन सभी अक्षरों पर हमें विचार करना है और बताने बेटा कि कौन से अक्षरों में ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं होगी, कौन से अक्षरों में क्षैतिज सममित रेखाएं होगी और कौन से अक्षरों में सममित रेखाएं नहीं होगी। जैसा कि उदाहरण के लिए ए दे रखा है, देखो यहाँ पर ए, अब ए में ये वाली सममित रेखा है। सममित रेखा का मतलब समझते हो कि ये रेखा आकृति को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये देखो ये वाली सममित रेखा कौन सी सममित रेखा होगी, ये होगी ऊर्ध्वाधर। अगर आप ऐसे खींचते हो ना तो वो होती है ऊर्ध्वाधर सममित रेखा, और अगर आप ऐसे खींचते हो तो वो होती है क्षैतिज सममित रेखा। जैसे बी वाला अक्षर है ना अंग्रेजी का बेटा, बी वाले में कौन सी सममित रेखा होगी, क्षैतिज, क्योंकि देखो ये बी है, अब बी में ऐसे लाइन बनेगी तभी ये बी दो बराबर भागों में बटेगा। अगर बी में आप ऐसे लाइन खींचोगे ना तो देखो ये दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, इसलिए बी अक्षर में कौन सी सममित रेखा होती है, क्षैतिज। अब सममित रेखाएं नहीं होती है, देखो क्यू है, क्यू में कोई सममित, देखो अगर क्यू में ऐसे लाइन बनाऊंगा तो क्या इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर है क्या, नहीं है, क्योंकि इधर वाले भाग में ये वाला
चिन्ह है, इधर ये वाला चिन्ह नहीं है, तो क्यू में हम कोई भी सममित रेखा नहीं खींच सकते। तो उन सभी अक्षरों के बारे में आपको बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले देखो ए, ए में कौन सी सममित रेखा है बेटा? उर्दू आदर, इसका मतलब ए यहां पर आएगा। ठीक है, अब बी में कौन सी सममित रेखा है? देखो ये क्षैतिज, तो बी का आएगा, ये बी यहां आ गया। अब देखो सी, ये बेटा सी होता है सी, अब ए बी उसके बाद सी आता है ना, तो सी में कैसे खींचोगे? ऐसे खींचोगे क्या? तो ऐसे खींचोगे तो ये सममित आकृति नहीं होगी, तो सी में आपको ऐसे खींचनी पड़ेगी, तभी ये दोनों भाग क्या होंगे? बराबर। तो ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज। तो बताओ सी में कौन सी आएगी? क्षैतिज सममित रेखा। सी के बाद क्या आता है? डी। डी में भी आप कैसे खींचोगे? ऐसे खींचोगे, तभी ये दो बराबर भागों में बटेगा। अगर बेटा डी में ऐसे खींचते तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, तो डी में भी कौन सी ये आएगी आपके? क्षैतिज। अब डी के बाद ई, ए बी सी डी ई आता है ना, ई में भी आप कैसे खींचोगे? ऐसे खींचोगे, देखो तभी तो दो बराबर भागों में बटेगा, अगर ऐसे खींचते तो बटता क्या? नहीं, तो ऐसे आएगी, मतलब क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब ए बी सी डी ई के बाद एफ, बताओ बेटा एफ, एफ एफ में ऐसे खींचोगे तो भी नहीं बनेगा, ऐसे खींचोगे तो भी नहीं बनेगा, मतलब इसमें कोई सममित रेखा नहीं होती है। तो एफ में कोई सममित रेखा नहीं होती है, कोई सममित रेखा नहीं होगी उसको यहां लिखेंगे, क्षैतिज सममित रेखा वालों को यहां लिखेंगे, और ऊर्ध्वाधर सममित रेखा वालों को यहां लिखेंगे। एफ में नहीं होगी ना, क्योंकि बेटा देखो एफ में अगर मैंने ऐसे खींची तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग बराबर नहीं है, और ऐसे खींचेंगे तो भी इधर वाला भाग और उधर वाला भाग बराबर नहीं होगा, इसका मतलब एफ में कोई सममित रेखा नहीं है। अब एफ के बाद क्या आता है? एफ के बाद जी, ए बी सी डी ई एफ जी। अब देखो जी में होगी क्या? अगर ऐसे खींचूंगा तो दोनों भाग बराबर नहीं है, ऐसे खींचूंगा तब भी दोनों भाग बराबर नहीं है, मतलब जी में भी कोई सममित रेखा नहीं होगी। अब जी के बाद एच, अब देखो एच में अगर ऐसे खींचू तो देखो है सममित रेखा, क्योंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, मतलब एच में ये कौन सी रेखा है? ऊर्ध्वाधर। और बेटा एच में अगर मैं ऐसे खींचू तो भी ये दो बराबर भागों में बटेगा, बटेगा ना, तो ये वाली रेखा भी सममित रेखा भी एच में खींच सकते हो, तो एच में ऊर्ध्वाधर भी खींच सकते हो और क्षैतिज भी खींच सकते हो, तो आपको ये क्षैतिज में भी लिखना है। अब एच के बाद आई, आई में ऐसे खींच सकते हैं, खींच सकते हैं ना, तो ये कौन सी में आएगा? क्षैतिज में, और आप ऐसे भी खींच सकते हो तब भी ये किसमें? ऊर्ध्वाधर में भी आएगा। ठीक है, इसमें क्षैतिज रेखा भी खींचेंगे और ऊर्ध्वाधर भी खींचेंगे। आई के बाद जे, अब देखो बेटा जे में ऐसे खींचोगे तो नहीं बनेगा, ऐसे खींचोगे तो भी नहीं बनेगा, मतलब इसमें कोई सममित रेखा नहीं खींच सकते। अब देखो जे के बाद क्या आएगा? के, अब देखो बेटा के में कैसे खींचोगे? ऐसे, तभी तो दोनों भाग क्या होंगे? बराबर। और ऐसी कौन सी रेखा है? क्षैतिज, तो ये के में आ जाएगा। के बाद एल, ये एल, एल में ऐसे खींचोगे तो भी दोनों बराबर नहीं है, ऐसे खींचोगे तो भी दोनों बराबर नहीं है, मतलब इसमें कोई सममित रेखा हम नहीं खींच सकते। एल के बाद एम, अब एम में बेटा ऐसे खींचेगी तो ये दोनों भाग क्या होंगे? बराबर। ऐसे खींचोगे तो नहीं होंगे, मतलब ऐसे खींच सकते हैं, ये कौन सी है? ऊर्ध्वाधर, तो एम। एम के बाद एन, एन में कैसे खींचोगे? ऐसे खींचोगे तो भी बराबर नहीं है, ऐसे खींचोगे तो भी बराबर नहीं है, मतलब इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं खींच सकते। ठीक है, एम के बाद एम एन ओ, ओ आता है अंग्रेजी में, ओ में कौन सी सममित रेखा खींचोगे? ऐसे खींचोगे तो भी दो बराबर भागों में बटेगा, और ऐसे खींचोगे तो भी दो बराबर भागों में बटेगा, मतलब ऊर्ध्वाधर सममित रेखा भी आएगी और क्षैतिज सममित रेखा भी आएगी, दोनों आएगी ना। ओके बाद पी, अब देखो बेटा पी में ऐसे खींचोगे तो भी दो बराबर भाग नहीं होंगे, ऐसे खींचोगे तो भी नहीं होंगे, मतलब इसमें सममित रेखा नहीं खींच सकते। पी के बाद क्यू, अब देखो क्यू तो यहां दे रखा है आपको, सममित रेखा नहीं होगी, ऐसे खींचोगे तब भी नहीं होगी और ऐसे खींचोगे तब भी नहीं होगी, तो ये क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्यू के बाद आर,
आर में देखो बेटा, ऐसे खींचोगे तब भी बराबर नहीं है, ऐसे खींचोगे तब भी बराबर नहीं है, मतलब इसमें भी सममित रेखा नहीं होगी, ठीक है ना। अब ऐसे पी क्यू आर एस, अब देखो एस में ऐसे खींचोगे तो दोनों भाग बराबर है, मतलब सममित रेखा खींच सकते हैं, तो ऐसे कौन सी सममित रेखा खींचोगे, क्षैतिज, तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद टी, टी में देखो बेटा कैसे खींचोगे, ऐसे खींच सकते हो सीधी, ठीक है ना, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा, ऐसे खींचोगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर नहीं होगा, तो ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे कौन सी, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, तो टी में कौन सी, ऊर्ध्वाधर। अब टी के बाद यू, यू में कैसे, ऐसे खींच सकते हैं, तो ये हो जाएगी आपके ऊर्ध्वाधर। यू के बाद वी, वी में भी ऐसे खींच सकते हैं, तो ये हो जाएगी आपके ऊर्ध्वाधर। डब्ल्यू, डब्ल्यू में ऐसे खींच सकते हैं, तो दोनों भाग बराबर, तो ये भी हो जाएगी आपके ऊर्ध्वाधर, ठीक है। एक्स, एक्स में ऐसे खींचोगे तो दोनों भाग बराबर, मतलब ऊर्ध्वाधर, और ऐसे खींचोगे तब भी दोनों भाग बराबर, मतलब क्षैतिज, ठीक है। अब देखो वाई, वाई में ऐसे खींचोगे तब भी बराबर, देखो वाई, ठीक है बेटा, ऐसे खींचोगे तो बराबर है, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर, और ऐसे खींचोगे तो बराबर नहीं है, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है जेड, जेड में ऐसे खींचोगे तो दोनों भाग बराबर नहीं है, ऐसे खींचोगे तब भी दोनों भाग बराबर नहीं है, मतलब जेड में कोई सममित रेखा नहीं खींच सकते। तो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी के सभी अक्षरों की सूची बनानी है जिनमें हम ऊर्ध्वाधर सममित रेखा खींच सकते हैं, क्षैतिज सममित रेखा खींच सकते हैं, और सममित रेखा हम खींच नहीं सकते। तो बेटा इन अक्षरों में आप ऊर्ध्वाधर सममित रेखा खींच पाओगे, और इन अक्षरों में आप क्षैतिज, और इन अक्षरों में आप कोई भी सममित रेखा नहीं खींच पाओगे। आ गया समझ में। अब देखो आठवां लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहां पर कुछ मुड़ी हुई सीट की आकृतियां दी गई हैं, जिनकी तह पर आकृतियां बनाई गई हैं। प्रत्येक में पूर्ण आकृति की रूपरेखा खींचिए जो डिजाइन के काटने के बाद दिखाई गई है। यह कागज की सीट है, इस कागज सीट को मोड़ा गया है और मोड़कर उसमें से ये डिजाइन काटी गई है। अब बेटा कह रहा है कि ये डिजाइन काटने के बाद हमें ये कागज कैसा दिखाई देगा, वो बना के बताओ। तो देखो हमें क्या करना है, एक कागज लेना है ऐसा, ठीक है। अब इस कागज को ऐसे बराबर फोल्ड करना है, कर दे बेटा ऐसे फोल्ड, ऐसे फोल्ड करना है। अब क्या करना है, इस कागज में से ऐसी डिजाइन काटनी है कैंची से। तो देखो ऐसी मतलब इधर से और इधर से, देखो यहां एक तो आपको काटनी है इधर से, ठीक है, और एक आपको काटनी है इधर से, दिखाई दे रहा है बच्चों, ऐसे डिजाइन काटनी है। देखो अगर इसको यहां रखोगे तो देखो कटी नहीं, ऐसी डिजाइन ऐसी है ना बेटा, कट गई। अब इसको खोलो आप तो देखो कैसी आकृति बनी, इधर और इधर ये ऐसी बनी, तो हम यहां बनाएंगे ऐसी आकृति, ये बन जाएगी। मतलब देखो ये ऐसे, ठीक है, ऐसी, ठीक है ना, थोड़ी लंबी बना देना, चित्र थोड़ा लंबा बना देना, समझ में आ गया ना मैंने कैसे किया, एक ऐसे, ठीक है, ऐसे। जब आप कागज को ऐसे मोड़ोगे, ठीक है, और ऐसे मोड़कर ऐसी डिजाइन काटोगे इधर से भी और इधर से भी, और इस सीट को वापस खोलोगे तो कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी ना, समझ में आ गया बात। तो ऐसे बतानी है, ये वाली आकृति आपको ऐसी दिखाई देगी। अब देखो बेटा ये वाली, यहां पर भी आपको ये कागज दे रखा है आकृति, और ये वाली डिजाइन काटी गई है। तो यहां पर फिर हम एक कागज लेंगे, इस कागज को ऐसे मोड़ेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है बेटा। अब हमें ये वाली डिजाइन काटनी है, तो देखो ये वाली डिजाइन कैसे काटेंगे, थोड़ा ध्यान लगाना, ये वाली डिजाइन हम ऐसे काटेंगे, एक तो इधर से और एक इधर, ठीक है, हो गया, और बीच में से ये उड़ा देंगे, ये लो कट गए ना ये वाली डिजाइन। अब इसको खोलो, देखो ऐसी नजर आई,
ऐसे नजर आई ना, तो बताओ यहाँ कैसे बनेगी। यहाँ देखो चित्र बनाना है इसी को देखते हुए, ठीक है बच्चों ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ये लो, और यहाँ भी ये वाली और ये लो, ठीक है। तो ये आपके ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे आपको कागज से ये वाली डिजाइन और यहाँ पर ये वाली डिजाइन काट के आपको देखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे, और समझ में आए हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाने का प्रयास करना है। थैंक यू।